हैप्पी बबल रैप एप्रिसिएशन डे. आई नो ऐसा लगेगा कि बबल रैप डे होने की क्या बात है, बट रिमेंबर ऑल द टाइम्स जब आप स्ट्रेस थे और यही आपके काम आया था. आपको पता है बबल रैप वॉज ओरिजिनली मेड कि दो शार कर्टन को जोड़ के सील किया गया था एंड वॉल पेपर के हिसाब से मार्केट किया जा रहा था. काफी मजेदार होता कि मंडे की शुरुआत होती वॉल को पंच करते हुए एंड स्ट्रेस भी रिलीफ हो जाता. नहीं, बट डोंट यू फियर व्हेन BaaziNow इज हियर. मैं लेकर आ गई हूँ मंडे स्ट्रेस बस्टर ब्रेन बाजी मिनी. हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू दिस अमेजिंग ऑसम फैंटास्टिक फन गेम ऑफ ब्रेन बाजी मिनी. गेम के रूल्स मैं आपको बता देती हूँ. 5 सवाल पूछूंगी, 3 ऑप्शंस दूंगी, 10 सेकंड्स दूंगी एज यूजुअल, और आप सही जवाब दे देंगे एज यूजुअल और जीत जाएंगे योर शेयर ऑफ 20,000 rupees. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर यू, गुड लक टू यू. और एक और चीज, ऐसे ही बबल रैप की तरह गुब्बारे खुशी के लड्डू फूटने वाले, क्योंकि कल ना एक सवाल भी तो है. 4th क्वेश्चन है कल ना एक सवाल, उसका सही जवाब दे दिया अगर आपने बिना लाइफ यूज किए तो आप कमा सकते हैं एक एक्स्ट्रा लाइफ, जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैं आपको क्या बताऊं. आपको पता है वैसे प्लस वन हो जाएगा ऑटोमेटिकली गेम में, लाइफ यूज हो जाती है. एक गेम में एक ही लाइफ होती है जो आप पोल बाजी में भी यूज कर सकते हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो लाइफ यूज करके वापस आ जाएंगे गेम में और इजी बना देंगे. अब इजी से याद आया, द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी ठीक 8:30 बजे द इजिएस्ट क्विज टू विन. ऐसा क्यों कह रहे हो फिर? क्योंकि सारे के सारे सवाल जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आज के उसी में से होंगे. तो बस उसके लिए प्रिपेयर करके आ जाएगा, ग्रैब योर कॉपीज ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर. और अभी शुरू करते ये एडिशन ऑफ ब्रेन बाजी मिनी. हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलमोस्ट 19,000 लोग, तो आप सबके लिए पहला सवाल एकदम तैयार. गुड लक टू यू. ब्रेन बाजी मिनी शुरू होने वाला है. Question number 1, हियर यू गो. हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में एक ओपोनेंट के खिलाफ मोस्ट सिक्सेस हिट करने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर शिखर धवन? अब इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 88 सिक्सेस बनाए थे इन 61 मैचेस. इस लिस्ट के टॉप 10 में अभी तक कोई इंडियन नहीं था. इस इंडियन क्रिकेटर ने 53 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 सिक्सेस बनाए. यार अगर लग रहा है कि चीकू है सही जवाब तो अफसोस, सब कुछ विराट नहीं कर सकता यार अकेले. जवाब रोहित शर्मा है. सेकंड ओडीआई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एडिलेड में ये रिकॉर्ड बना और शाहिद अफरीदी जो है उनको 3 कंट्रीज के अगेंस्ट ये रिकॉर्ड होल्ड करते हैं. सही जवाब दिया है 12,000 से ज्यादा लोगों ने. क्या बात है जी. अभी आगे बढ़ रहे हैं हम टूवर्ड्स Question number 2. एकदम तैयार है. हमारे साथ 19,000 से भी बहुत सारे ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं. गुड जॉब. अब Question number 2 आप सब के लिए ये रहा. पराठे वाली गली पराठों के लिए जाने जानने से पहले किस चीज के लिए जानी जाती थी? सिल्वरवेयर शॉप्स, टेलर्स या फिर कॉबलर्स? ये पराठे वाली गली है दिल्ली 6 में, एज इन दिल्ली के चांदनी चौक में. क्वेश्चन पढ़ते ही मुंह में पानी आ गया. एंड इफ यू आर विजिटिंग दिल्ली एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपकी प्लेसेस टू विजिट में ये जगह जरूर होनी चाहिए जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस. आई मीन लुक एट दैट, चांदनी चौक ऑफ कोर्स. और यहाँ पहले 10-12 फैमिलीज ऐसे पराठे बेचते थे, बट अभी कुछ 4 ही बची हैं. बट बिफोर दैट सिल्वरवेयर शॉप्स हुआ करती थी. दैट्स द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. ओरिजिनली नोन एज द दरीबा खुर्द, यहाँ बहुत सारे सिल्वर शॉप्स थी. और कभी खुशी कभी गम मूवी तो देखी होगी आपने, उसमें भी दिखाया था इस जगह को. सही जवाब दिया 10,000 से ज्यादा लोगों ने. के जो फैंस लग रहे हैं मुझे ये सारे लोग. और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स Question number 3. 11,000 से ज्यादा लोगों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए 19,500 से भी ज्यादा लोग. Question number 3 आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा. 2018 में ब्रिटेन के फर्स्ट इंडियन रेस्टोरेंट का डैश 8500 यूरोज में बिका था. ऑटोग्राफ शेफ, एप्रन, सिल्वर कटलरी या फिर मेन्यू? फन फैक्ट फर्ज़ीन टाइप, इस रेस्टोरेंट को शेख बिन मोहम्मद ने शुरू किया था इन 1810, ओवर 200 इयर्स अगो. अब मोहम्मद वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन इमिग्रेंट्स टू ब्रिटेन. इन्होंने 11-12 साल की एज में ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की थी एंड वही पढ़े लिखे और काफी हाई रैंक तक पहुंच गए थे. और इस रेस्टोरेंट का मेन्यू बिका था इतना महंगा. दैट्स द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. इस हैंड रिटन मेन्यू में 25 डिशेस इंक्लूडिंग चिकन एंड लॉबस्टर करीज एंड अ सिलेक्शन ऑफ ब्रेड्स, चटनीज एंड डिशेस कंसिडर्ड टू न्यूमरस फॉर इंसर्शन थे.
सही जवाब दिया है 8000 से ज्यादा लोगों ने. अगला सवाल जो है वो आप सब अटेम्प्ट करेंगे. 19,338 पीपल. कल ना एक सवाल है क्योंकि ये यहाँ पर अगर आपने दे दिया सही जवाब बिना लाइफ यूज के, वन एक्स्ट्रा लाइफ विल बी योर्स. जी हाँ, मैं बहुत ज्यादा जेनरस, बहुत ज्यादा. अभी क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर. कल ना एक सवाल ये रहा, इंडिया की नेशनल ट्री के नाम का कॉलम आपको कौन सी मैगजीन में मिलेगा ये बता दो मुझे जल्दी से. द वॉल स्ट्रीट जर्नल, फ्रंट लाइन या फिर द इकोनॉमिस्ट. ये सवाल पूछने के बाद मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी के बारे में रिमाइंडर दे दूं. यार द इजीएस्ट क्विज टू विन है, सिंस सारे के सारे सवाल जो है वो आज के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से ही होंगे. तो अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया टॉप टू बॉटम, कॉर्नर टू कॉर्नर, लेफ्ट टू राइट सब तरीके से अच्छे से पढ़ लेंगे तो जीत जाएंगे. अभी जवाब आ गया मेरे पास, एंड द इकोनॉमिस्ट इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. Banyan is a column on Asian politics and culture, और ये The Economist में छपता है और Banyan tree हमारा national tree है. ये बात आप जानते हैं, 6000 से ज़्यादा लोग ये बात जानते हैं. दिया है सही जवाब बिना life use किए, तो कमा चुके हैं एक extra life. बड़े काम की चीज़ें आपको पता चल जाएगा. अभी हम आगे बढ़ रहे हैं towards the final question. 18,500 से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. गुड जॉब, आप लोग नॉलेज बढ़ा रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 5 फाइनल क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. सेक्रेट गेम्स के ऑथर ने इनमें से कौन सी फिल्म की स्टोरी भी लिखी है, सत्या, मिशन कश्मीर या फिर रेफ्यूजी. सेक्रेट गेम्स एक इंडियन वेब सीरीज है, एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड इट ऑलरेडी प्लीज डू. फरजीन हाईली हाईली रेकमेंड्स इट. नवाजुद्दीन, राधिका आप्टे की एक्टिंग के लिए देख लीजिए, उसके लिए नहीं तो तैमूर के पिता सैफ के लिए देख लीजिए. नो, आई एम किडिंग. वॉच इट फॉर द अमेजिंग राइटिंग बाय वरुण ग्रोवर, जिन्होंने अडेप्ट किया विक्रम चंद्रा की बुक को. Who also wrote, क्या आ गया मेरे पास जवाब. मिशन कश्मीर इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. 2000 में चंद्रा ने सुकेतु मेहता के साथ मिशन कश्मीर को राइट किया था. ये बात पता थी 826 लोगों की. 3190 पीपल हैव यूज्ड देयर लाइव्स. वाओ, आज के विनर्स बनते हैं 4003 लोग. कांग्रेचुलेशंस आप सबको. तो आपके लिए ऐसे ग्रैंड सेलिब्रेशंस, मंडे सेलिब्रेशंस बनती है बॉस. Congratulations and celebrations. खूब सारे बबल रैप लाइए, फोड़िए, एकदम ऐसे मज़ेदार वाली सेलिब्रेशन कीजिए. और अभी मैं बता दूं कि आपको क्या करना है. और हाँ, आप ही को फोटोज भेजनी है सोशल मीडिया पर, BaaziNow इज़ अ सोशल मीडिया हैंडल. Congratulations, lucky, very nice. B साहू आप वापस जीत गए हैं. राम, मनोज, जुबैर, शेख, प्रवीण, अनूप, जीवन ज्योति, सोनी भी जीते हैं, SPW भी जीते हैं, नीलू भी जीते हैं, बहुत लंबी. सैम गोकू, आई लव योर नेम सैम गोकू. कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको. और अभी मैं बता दूं कि आप नेक्स्ट गेम खेल लीजिए ऑन द BaaziNow ऐप, उसकी विनर लिस्ट में भी अपना नाम देखिए. ठीक 3 बजे खेलिए पोल बाजी मिनी, देन 4:30 बजे बिंगो बाजी, अपुनिच वापस आ जाएगा आपको खिलाने के लिए. 8:30 बजे द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी, 9 बजे पोल बाजी. ऐसे ही खेलते रहिए, जीतते रहिए और BaaziNow को हमेशा लोगों को बताइए इसके बारे में. अभी मैं जा रही हूँ. हैव एन ऑसम ब्लॉसम डे.